हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीटी जेट को कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं या उसे पैटर्न कैसे बनाते हैं कि खुद ब खुद वो ऑटो रोटेट होते रहे और पावर अगर कट भी जाए तो भी वो खुद जब पावर हम दें वापस तो वो खुद ब खुद चलते रहे उसी पाथ पे जो हमने पहले उसे डिफाइन किया था। तो करना क्या होगा, सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन के लिए हमें आईपी पता होना चाहिए, तो आईपी के लिए हम आईपी फाइंडर टूल ओपन करेंगे। ये देखिए आईपी कैमरा हमारा दिखा दिया है, ठीक है। ये मॉडल है हमारा सीपी डैश यूएनपी T25-21L15-DAP, ये हमारा मॉडल है, ये हमारा आईपी दिखा दिया, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसे लॉगिन करेंगे। या तो डायरेक्टली आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंटरनेट एक्सप्लोर पे वहां पे नीचे आकर के, ये देखिए इंटरनेट एक्सप्लोर का ऑप्शन है, यहां से कर सकते हैं। तो मैं दोनों जगह से कहीं से भी करता हूँ, कोई इशू नहीं है। और इनका मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज किया हूँ, आईपी मुझे पता था। ये पेजेस लॉगिन हो गए हैं अपना, ये हमने लॉगिन किया। याद रखिएगा ये डिवाइस इनिशियलाइज हमने कर दिया है तभी ऐसा पेज होगा। अगर डिवाइस इनिशियलाइज नहीं किया है आपने तो पहले आपको पासवर्ड मॉडिफाई करना पड़ेगा, आईपी मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। यह हमारे सामने आ गया। उसके बाद हमें करना क्या है, अगर जूम में अगर चेक करना है आपको तो यहाँ से आप चेक कीजिए ये चीज़ें, ठीक है। अब आप सेटिंग में जाएंगे, सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, फिर पी टी जेड फंक्शन में जाएंगे। हम पी टी जेड फंक्शन में यहाँ क्लिक करेंगे, फंक्शन पे हम आ गए अब पैटर्न पर। पैटर्न बनाना है आपको, पैटर्न बनाइए, टूर बनाना है आपको, टूर बनाइए, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, पैटर्न पे हमने क्लिक किया। अब हमें यहाँ पे स्टार्ट है, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको स्टॉप करते हैं एक बार पहले, क्योंकि मैंने बना रखा था, ठीक है। स्टार्ट करने का है, सेटअप में सबसे पहले जाएंगे, ठीक है। ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग जाएंगे और यहाँ पर आप, ये हम इसे घुमा रहे हैं, ठीक है। फिर इसको एक बार जैसे ही आपने घुमाया इसे छोड़ देना है। यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग फिर से करना है आपको क्लिक कर करके, ठीक है। उसके बाद फिर जिधर आपको घुमाना है इधर घुमाया, फिर से इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा तेज हो तो यहाँ पर जो आपका स्पीड है, अगर आपको धीरे धीरे करना है तो यहाँ पर आपको 2 नंबर स्पीड कीजिए, ये धीरे धीरे आपका होगा, ठीक है। फिर इसे आप रिकॉर्ड करेंगे, फिर ये हम बनाएंगे जूम, ठीक है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे, जूम आउट करेंगे जिसे बोलते हैं, ये रिकॉर्डिंग बनाएंगे। इतना हमने बना लिया। अब इसको क्या करना है, इसको स्टॉप रिकॉर्ड कर देना है आपको, ठीक है। अब अभी ये पैटर्न नंबर 1 हमने बनाया, अब इसे चेक करना है स्टार्ट कर करके कि जो हमने बनाया वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। स्टार्ट करते हैं एक बार, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हाँ जी, हेलो, 1220 1220 1 सेकंड सर 1220 S2 S2 है, कौन सा मॉडल है? ये खुद ब खुद अब जो हमने पार्ट डिफाइन किया था वो फॉलो कर रहा है उसको। इनवैलिड वीडियो हो जा रहा है ना। ये देखिए हमने यहाँ किया था, अभी से हमने जूम किया था, अभी से जूम करना चाहिए। ये देखिए जूम किया। दूसरी चीज की और मैं बताना चाहूंगा ये कि ये जो आप देख रहे हैं पैटर्न, ये 16 टाइम हमने बनाया था इसका, तो ये 16 जब जैसे ही हो जाएगा क्लियर तो खुद ब खुद ये ऑटो ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ये एक से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए 15 हो रखा है, देखिए 16 हो गया और फिर से ये 1 पे चला जाएगा। ये देखिए 1 पे स्टार्ट हो गया। अब हम करेंगे क्या, ऐसे कि इसे सेट करना है अगर आपको, तो आप सबसे पहले आप जाएंगे आइडियल मोशन में, उसको इनेबल करना है आपको, ठीक है। और ये आपका पैटर्न है, आपका ये आपका पैटर्न है आइडियल मोशन। 1 मिनट के बाद जैसे ख़त्म होता है वहाँ पे करना, 1 मिनट के बाद स्टार्ट हो 1 मिनट कर दीजिए। अगर जो चल रहा है अगर 2 मिनट के बाद स्टार्ट होना चाहिए तो यहाँ 2 मिनट के बाद कर दीजिए, ठीक है। और उसको फिर आप सेव कर दीजिए। इतना आप कर देंगे
तो जब ये दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे भी या खुद ब खुद पावर बंद हो जाता है कैमरे का कैसे भी, दोबारा जब भी आप ओपन करेंगे खुद ब खुद उसी पाथ पे ये खुद दोबारा से स्टैंड चालू कर देगा ये रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। बीच में आप चाहें तो इसे छेड़ सकते हैं अपनी रिकॉर्डिंग, कोई सुनी है आपको, लेकिन ये पाथ खुद ही अपने फॉलो करना शुरू कर देगा। दस क्योंकि हमने टाइम दे रखा है दो मिनट के बाद ये खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा, 2 मिनट के तक वेट करेगा ये, ठीक है। तो ये था पैटर्न बनाने का तरीका, ठीक है, ओवरऑल। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं प्रीसेट बनाऊंगा, प्रीसेट कैसे बनाते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कोशिश कीजिए कि लोगों को बताएं।